हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.3 की 2 सवालों को कवर कर चुके थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जा करके वो पिछली वीडियो देख लें, ठीक है। हम लोग प्रश्नावली 1.0 की तीसरी सवाल से आज प्रारंभ कर रहे हैं, सवाल नंबर 3 से, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने आपको 2 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया था। तो सवाल नंबर 3 की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं कि मान लीजिए ए एक समुच्चय है और वो कह रहे हैं समुच्चय ए जो है वो इस प्रकार है कि ए समुच्चय में अवयव है 1, 2, 3 और 4, फिर ये 5, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन से कथन सही नहीं है, क्यों, ये भी बताइए। तो पहली सवाल में उन्होंने लिखा है, इसके लिए उन्होंने कथन लिखा है, स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने लिखा है समुच्चय 3 और 4, समुच्चय 3 और 4 उप समुच्चय है किसका, ए का। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, ठीक है। सत्य असत्य बताना है और कारण भी बताना है, क्यों, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, उप समुच्चय की बात पहले हम लोग कर लेते हैं कि उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय किसे कहते हैं, उप समुच्चय किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि ऐसे हमारे पास 2 समुच्चय होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 2 समुच्चय होने चाहिए, जिसमें पहले का अवयव दूसरे में या दूसरे का पहले में सभी अवयव विद्यमान होता था। तो हम कहते थे कि पहला जो है वो दूसरे का उपसमुच्चय है या दूसरा जो है वो पहले का, मतलब आप साधारण भाषा में समझें तो जो छोटी बात होती थी वो दूसरे की क्या होती थी, उपसमुच्चय होती थी। तो उसी प्रकार से यहाँ बात क्या है, हमारे पास एक समुच्चय है, कौन, ए, उसमें वो कह रहे हैं 1, 2 और ये समुच्चय में बोल रहे हैं 3 और 4 और ये कौन है, 5, ठीक है ना। अगर इस पूरे की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 4, कौन कौन से, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये मिला करके है, ठीक है ना, और चौथा कौन सा है, 5, ठीक है। अब वो हमसे पहली सवाल में कह रहे हैं कि जो समुच्चय मतलब ये जो अवयव है, कौन अवयव, ध्यान समझिएगा, हमने आपसे कहा कि ये पहला अवयव है, ये कौन सा है, दूसरा अवयव है और ये कौन सा है, तीसरा अवयव है, क्या है, अवयव है। और अवयव है को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अवयव है, अवयव है को हम लोग एलिमेंट ऑफ से डिनोट करते हैं। तो हाँ, इनको क्या लिखना चाहिए था, 3 और 4 के लिए यहाँ इन्हें एलिमेंट ऑफ लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, एलिमेंट ऑफ लिखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि 3, 4 जो है वो क्या है, इसका उपसमुच्चय है, जो बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, अतः यह कथन क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका उपसमुच्चय बनाएंगे तो सबसे पहली बात तो ए में उपसमुच्चयों की संख्या 2n के सूत्र से ज्ञात कर लीजिए। ए में हमारे पास कितने अवयव हैं, पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये कैसा, ये दोनों मिला करके ये तीसरा अवयव है और ये कितना है, चौथा अवयव है। तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब कितने, 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, तो हमारे पास कुल कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। और 16 बनेंगे तो ये जो 3 और 4 है ये अवयव के रूप में आता तो ठीक रहता, लेकिन उन्होंने यहाँ बात जो कही है वो किसकी कह दी है, उपसमुच्चय की, इसलिए ये बात क्या हो गई, गलत। क्यों, क्योंकि यदि ये उपसमुच्चय होता तो इसके साथ एक ब्रैकेट और लगा होता, तब ये जाकर के क्या कहलाता, उपसमुच्चय कहलाता, ठीक है ना। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अगले सवाल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सवाल 2 देखिए। दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि 3 और 4 समुच्चय 3 और समुच्चय 4 एलिमेंट ऑफ ए, ये तो बात सत्य है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये 3 और 4 जो है ना वो अवयव है ए का, किसका, ए का अवयव है, जो तीसरा अवयव है, ठीक है ना। तो ये 3 और 4 एक में ही लिए जाएंगे, इसलिए ये वाली बात जो बात है वो क्या है, सत्य है, ठीक है। सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़े तो सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है समुच्चय, क्या, समुच्चय का समुच्चय 3 और 4, ठीक है ना, उप समुच्चय ए, ये तो बात मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ 3 और 3, 3, 4 को समुच्चय के समुच्चय में लिखते तब ये उप समुच्चय कहलाता। ये तो पहले जब एक ही समुच्चय के साथ लिखा है तब तो ये अवयव है ना, तब तो ये अवयव है, लेकिन उन्होंने क्या लगाया, उपसमुच्चय, और यहाँ क्या लगाया है, उपसमुच्चय लगाया है। ये तो बात क्या है, सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये भी बात क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि एक भी हमारा क्या है, अवयव है। किसका? ए का। इसलिए ये भी बात हमारी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ठीक है, अगली सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं एक जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ए जो है वो क्या है, सबसेट है ए का। ये बात सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप सबसेट बनाना शुरू करोगे तो देखो मैं यहाँ सबसेट बना दे रहा हूँ भैया, 1 2 3 4 फिर यहाँ कौन 5। आप सबसेट बनाना जब शुरू करोगे तो उपसमुच्चयों को लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फाई लिखोगे। उसके बाद हम उपसमुच्चय जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले समुच्चय के एक एक अवयवों को एक एक करके लिखते हैं। तो पहला समुच्चय का उपसमुच्चय कौन हो जाएगा, 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर कौन हो जाएगा तीसरा वाला जो कि क्या है पहले से समुच्चय, इसलिए उसके साथ पहले हमने एक बार और लगा दिया। ठीक है, अगला कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप देखें तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, यहाँ पहले तो बात उन्होंने कही कि एक एलिमेंट है ए का, तो बात सत्य हुई, लेकिन एक उपसमुच्चय है ए का, ये बात सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लगा होना चाहिए था, मतलब ब्रैकेट। यहाँ देखिए हमने उपसमुच्चय बनाए हैं ना, जो कि उसकी तरह नहीं दिख रहा है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 में कह रहे हैं समुच्चय 1 2 5, समुच्चय 1 2 5 क्या उपसमुच्चय ऑफ ए। ठीक है ना, ये बात क्या है हमारे लिए, सत्य है। क्यों सत्य है कि जब हम लोग 3 3 लेके बनाएंगे, कितना कितना लेके बनाएंगे, 3 3 लेके बनाएंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें 1 आएगा, 2 आएगा और कौन आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, तो ये बात हमारे लिए क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 1 बनाने के बाद हम लोग क्या क्या बनाएंगे, 2 2 बनाएंगे, और 2 2 बनाने के बाद कौन सा बनाएंगे, 3 3 बनाएंगे। जब 3 3 बनाएंगे तो हमें 1 2 5 किसमें मिलेगा, समुच्चय में मिलेगा, और उस टाइम वो ए का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। इसलिए ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है ना, आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 तो हो गया, 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 7 में कह रहे हैं समुच्चय 1 2 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। समुच्चय 1 2 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, फिर से इन्होंने आपको गुमराह करने का प्रयास किया है। कैसे? यहां उन्होंने यही बात लिखी है, क्या कहा है यहाँ पर, उपसमुच्चय है, और यहाँ वही बात लिखकर वो कह रहे हैं एलिमेंट है। अगर उपसमुच्चय है तो एलिमेंट कैसे होगा, एलिमेंट होने के लिए तो हम कैसे लिखते हैं, उसे ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। यहाँ तो हमारे पास क्या लगा है, मझला ब्रैकेट लगा है, लेकिन एलिमेंट ये हो सकता है केवल इस स्थिति में, केवल इस स्थिति में, बाकी की स्थिति में ये एलिमेंट नहीं हो सकता। इसलिए ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। 1 2 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। समझ रहे हैं ना। अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 8 की ओर आगे बढ़े तो सवाल नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं 1 2 3। क्या कह रहे हैं, 1 2 और कौन 3 उपसमुच्चय है किसका, ए का। किसका, ए का। 3 3 बनाइए। क्या क्या बनाइए, हमने 1 1 बनाया, हम लोग क्या बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं। चलो 2 बना लेते हैं। 2 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2, फिर क्या लिखेंगे 2 और कौन 3 और 4। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 3 और 4, 3 और 4 और कौन 5, फिर कौन लिखेंगे, गलत हो गया ये वाला। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और 4, ये अपने खुद के समुच्चय में, फिर उसके साथ कौन 5। ठीक है, फिर कौन, फिर 1 के साथ कौन 5, फिर 2 के साथ कौन 5। ठीक है ना, अब क्या 2 2 बन गया। 2 2 बनने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, 3 3 बनाएंगे। जब 3 3 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 और कौन समुच्चय में 3 और 4, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये 3 और 4 है ना, इसे एक अवयव माना जाए। क्या माना जाए, एक अवयव माना जाए। तो ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव और ये मिला करके तीसरा अवयव। ठीक है, फिर जब एक ऐसे ही बनेगा, इसके साथ इसके बाद और कोई तीसरा बन नहीं सकता। जब हमने तीनों को एक बार लिख लिया तो उसके बाद और कौन सा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये बन के आ गया समुच्चय। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, और भी बन सकते हैं, 16 बनने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ 11 ही बने हैं। अभी हमारे पास 5 बनने बाकी हैं। कितने बनने बाकी हैं, 5। वो कौन कौन से हैं, इन 3 और 4 को जब बाहर करेंगे तब। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास कौन है, 1 2 3 का कोई भी क्या है हमारे पास, समुच्चय नहीं है। समझ रहे हैं, इसलिए ये क्या है हमारा उपसमुच्चय। ये वाली बात क्या है हमारे लिए, असत्य। क्या है? असत्य। ठीक है। सवाल नंबर 8 के बाद 9, सवाल नंबर 8 के बाद 9। ठीक है, देखिए 8 के बाद 9 कौन सी है। 9 में वो कह रहे हैं, 9 में कह रहे हैं फाइ इज द एलिमेंट ऑफ ए, फाइ इज द एलिमेंट ऑफ ए। फाइ जो है वो अवयव है ए का। भैया फाइ तो ए का अवयव नहीं है, लेकिन उपसमुच्चय अगर होता तो ये बात सत्य हो जाती। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा एलिमेंट। एलिमेंट तो कौन है, एक है, दो है, तीन और चार है, फिर कौन है, पांच है। ठीक है ना, इसलिए ये बात हमारे लिए क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, अगली सवाल की ओर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा है कि जो फाइ है, सवाल नंबर 10 में कहा है जो फाइ है वो उपसमुच्चय है ए का। ये बात क्या रहेगी हमारे लिए, ये बात हमारे लिए क्या रहेगी, सत्य रहेगी। क्या रहेगी, सत्य रहेगी। ठीक है, अगली सवाल में उन्होंने कहा है क्या, सवाल नंबर 11 उन्होंने एक और भी दिया है। उन्होंने कहा है कि समुच्चय में फाइ, समुच्चय में फाइ क्या है, उपसमुच्चय है ए का। उपसमुच्चय है ए का, जो कि क्या है, गलत है। जो कि क्या है, गलत है। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, असत्य। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप फाइ क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ब्रैकेट में तो है नहीं। इसलिए जो फाइ है, समुच्चय में फाइ है, ये हमारा क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। ठीक है, ये बात हमारे लिए क्या है, असत्य है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। क्या लिखिए, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय लिखिए। क्या लिखिए, उपसमुच्चय। पहली सवाल है, उन्होंने कहा है समुच्चय ए, इसका क्या लिखना है, उपसमुच्चय लिखना है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, क्या है उन्होंने समुच्चय ए और बी, इसका भी हमें क्या लिखना है, उपसमुच्चय लिखना है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में उन्होंने क्या कहा है, 1 2 3, इसका भी हमें उपसमुच्चय लिखना है। ए और एक अंतिम सवाल है जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, फाइव, इसका भी हमें क्या लिखना है, उपसमुच्चय। ठीक है, ध्यान देखिए हमारे पास क्या है, समुच्चय। ठीक है, अगर सबसे पहले तो हम लोग समुच्चय कितने बनेंगे इसकी बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ समुच्चय जो हमारा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव है, इसलिए बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। और वो 2 कौन कौन से होंगे, तो वो लिख रहे हैं हम उपसमुच्चय। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइ। फाइ किसी भी समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना, अगली बात कौन सी लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय। ठीक है, अगला क्या है, ए और बी। कौन है, ए और बी। सबसे पहले हम लोग उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या कौन से सूत्र से, 2n से। 2n से हमारे पास n मतलब कितने एलिमेंट है, हमारे पास एक एलिमेंट और ये कौन सा, दूसरा एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2 मतलब कितना, 4। कितना, 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, उपसमुच्चय। क्या लिखेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या में हम तो ज्ञात कर चुके हैं 4 है, तो हम लोग निकाल रहे हैं उपसमुच्चय। क्या निकाल रहे हैं, उपसमुच्चय। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइ। क्या लिखेंगे, फाइ। इसके बाद क्या लिखेंगे, पहले एक एक अवयव करके लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 2 करके लिखेंगे। अब बचा है तो आगे चलेंगे, नहीं तो खत्म। देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, आगे देखिए यहाँ हमारे पास कितने हैं, 3 अवयव हैं, 1 2 3। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो क्या निकालेंगे, 2n। n बराबर कितना है हमारे पास, 3 है, तो 2 हो जाएगा। 2 का मतलब कितना, 8। 2 दूना 4 दूना 8, 2 मतलब कितना, 8। तो यहाँ क्या निकाल रहे हैं, उपसमुच्चय। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइ। क्या लिखेंगे, फाइ। फिर क्या लिखेंगे, एक एक ठो करके लिखेंगे। ये देखिए 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3। फिर क्या लिखेंगे, 2 करके लिखेंगे। ठीक है, 2 और 3, फिर कौन, 1 और 3। फिर क्या लिखेंगे, पूरा मिला के लिखेंगे। ठीक है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना, आगे देखिए हमारे पास अगला उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, फाई। फाई कोई समुच्चय नहीं है। जैसे उन्होंने यहाँ लिखा है क्या, समुच्चय ए। अगर उन्हें फाई लिखना था तो उन्हें क्या लिखना चाहिए था, समुच्चय ए ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले से ही फाई लिख रखा है, इसलिए इसका कोई भी उपसमुच्चय नहीं होगा, इसका कोई भी उपसमुच्चय नहीं होगा। तो सवाल नंबर 4 के ये रहे आपके प्रश्नों के उत्तर। पहली सवाल का फाई और ए, अगली सवाल का यहाँ लिखा है और अगली सवाल में यहाँ, ठीक है ना। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप बना लेंगे आगे आने वाले सभी प्रश्नों को। आगे बढ़ रहे हम लोग, तो उन्होंने क्या कहा है, आगे बढ़ने पर उन्होंने कहा है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में उन्होंने कहा है पी ऑफ ए इक्वल टू फाई, इक्वल टू फाई। कहा है पी ए के कितने अवयव हैं, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है, यदि ए बराबर क्या है, फाई। हमें यहाँ क्या याद करना है, पावर सेट। क्या याद करना है, पावर सेट। पी ऑफ ए का क्या मतलब होता है, पावर। क्या होता है, पावर सेट, ठीक है ना। पावर सेट क्या होता है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि पी ए ज्ञात करिए यदि ए बराबर क्या हो, फाई हो। ए बराबर फाई होने का मतलब भैया कि हमारे पास समुच्चय ए में कोई अवयव विद्यमान ही नहीं है। जब कोई अवयव विद्यमान नहीं है तो पी ए संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए पी ए कैसे संभव, पी ए में क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, सबसे पहले तो ज्ञात कर लो, हम लोग 2 की पावर n से ज्ञात कर लेते हैं कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे, कितने उपसमुच्चय बनेंगे तो ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमारे पास कोई भी अवयव उपस्थित ही नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। और वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ फाई, सिर्फ और सिर्फ फाई, ठीक है ना। ध्यान से, हमारे पास कोई ए में कोई भी समुच्चय में कोई अवयव नहीं है। जब कोई अवयव नहीं है तो इसका उपसमुच्चय बनाएंगे। उपसमुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और वो 1 कौन से होगा, स्वयं फाई, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं यहां, ठीक है, समुच्चय में अंतराल रूप क्या होता है। समुच्चय का अंतराल रूप, ठीक है। यह क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं आपको, क्वेश्चन आगे आ रहा है, लेकिन इससे पहले ध्यान से देखिए कि समुच्चय का जो अंतराल रूप है उसे हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। जैसे कोई बात है वो लिखी है x, इसमें समुच्चय के अंतराल को हम लोग कुल मिला जुला करके अगर बात करें तो 4 प्रकार से डिनोट कर रहे हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, ठीक है ना। वो 4 प्रकार में क्या है, या तो कोई भी बात होगी वो मझले ब्रैकेट में लिखी गई होगी, या तो कोई बात होगी पूरा बड़े ब्रैकेट में लिखी गई होगी, या तो कोई बात पहले मझले ब्रैकेट में फिर बड़े ब्रैकेट में, या फिर कोई बात पहले बड़े ब्रैकेट में फिर क्या मझले ब्रैकेट में। इसे समुच्चयों का क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं। जैसे ही ये वाला ब्रैकेट कब लग रहा होता है, ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए ध्यान से, यदि कोई x है, यदि कोई किसी समीकरण में कोई x है और उसका जो मान है वो a से बड़ा हो और b से क्या हो, छोटा हो, तो इस स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग मझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तब यहाँ जो x हो जाएगा वो एलिमेंट हो जाएगा ओपन इंटरवल, इसे क्या पढ़ते हैं, खुला अंतराल। क्या पढ़ते हैं, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल ए बी। x इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए और b, अर्थात a और b लिए नहीं जाएंगे। जैसे यदि मैं संख्या रेखा बना के आपको दिखाना चाहूं तो संख्या रेखा पर ये समझिए a है और ये कौन है, b। ये कौन है, a और ये कौन है, b। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब ओपन की बात होगी तो वहाँ क्या बनाएंगे, एक बॉल बनाएंगे जो कैसी रहेगी, खोखली रहेगी। अगर वो क्लोज है तो उसे कैसे बनाएंगे, एक बॉल बनाएंगे जो क्या रहेगी, डॉर्क बॉल। कौन सी रहेगी, डॉर्क बॉल, ठीक है ना। दूसरे तरीके में अगर आप समझना चाहें तो आप ये समझिए, यदि आपको इनइक्वालिटी के चिन्ह के साथ, इनइक्वालिटी के चिन्ह के साथ, मतलब छोटा है बड़ा है बराबर है के साथ, मतलब छोटा है बड़ा है के साथ यदि बराबर ना दिखे तो आपको जो चिन्ह लगाना है वो कौन सा लगाना है, व्हाइट बॉल। कौन सा, व्हाइट बॉल, अन्यथा कौन सा लगाना है, डार्क बॉल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ x जो है वो वेरी कर रहा है a से क्या बड़े के लिए और b से क्या छोटे के लिए। तो मतलब ये है कि यहाँ जो बॉल आएगी वो कौन सी आएगी, व्हाइट बॉल, ठीक है। और b पर भी कौन आएगी, व्हाइट बॉल आएगी। और उसके बाद कंसीडर कौन किया जाएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ना तो ए रहेगा ना तो बी रहेगा, ठीक है ना। राइट बात का मतलब ये है कि वो ना तो ए को छू पा रहा है और ना तो बी को छू पा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, दोनों बड़ा ब्रैकेट लिखा है। ये बड़ा ब्रैकेट ना हो करके इसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल तब लगता है जब इनइक्वालिटी के साइन के साथ क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है, ठीक है ना। फिर उस टाइम हम लोग कहते हैं x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल a टू b, a टू b। और उस टाइम जो संख्या रेखा होती है उस संख्या रेखा पर a और b पर डार्क बॉल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डार्क बॉल लगाते हैं। और डार्क बॉल को क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक दोनों इंक्लूडेड है। इस बार हमारे पास कौन, a भी इंक्लूडेड है और b भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए ये तीसरी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि अगर इधर की तरफ क्या लगा है, ओपन, और इधर क्लोज लगा है, तो इसका जरूर मतलब है कि यक्स जो होगा वो ए से बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, बी के। यक्स जो है वो बड़ा होगा ए से और छोटा होगा बराबर होगा किसके, बी के। तो यहाँ क्या हो जाएगी हमारी संख्या रेखा, ठीक है। ये हमारी क्या है, संख्या रेखा है। इसमें कौन है, ये ए है, इसमें ये कौन है, बी। इधर की तरफ कौन सी बॉल लगेगी, व्हाइट बॉल। इधर कौन लगेगी, डार्क बॉल। यहाँ से चलेगा लेकिन यहाँ पर इसे पूरा अटैच करेगा, लेकिन यहाँ ए को स्पर्श नहीं करेगा। मतलब ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। ए सम्मिलित नहीं है लेकिन बी सम्मिलित है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग इसके आगे चौथे वाले पर। तो चौथे वाले में आप समझ रहे होंगे कि जो यक्स होगा वो बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है ए से, लेकिन छोटा होगा किससे, बी से, ठीक है ना। ये रही हमारी कौन, संख्या रेखा। ये कौन है हमारी, संख्या रेखा। और यहाँ कौन है, ये ए है, ये कौन है, बी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब यहाँ कौन आएगा, डार्क बॉल आएगी। और यहाँ कौन आएगा, व्हाइट बॉल आएगी। तो ये अब जब आप इसे इससे मिलाओगे तो यहाँ ए तो क्या रहेगा, सम्मिलित रहेगा, लेकिन बी सम्मिलित नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको चारों बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आपको इनइक्वालिटी का साइन अकेले मिलेगा तो आपको वहाँ क्या लगानी है, व्हाइट बॉल लगानी है, ठीक है। यदि आपको क्या मिल रहा है, इनइक्वालिटी के साथ बराबर का साइन मिल रहा है, तो आपको वहाँ क्या लगानी है, डार्क बॉल लगानी है। डार्क बॉल का मतलब होता है कि वो बात सम्मिलित है, वो अंक सम्मिलित है, या वो चीज क्या है, सम्मिलित है। लेकिन व्हाइट बॉल का मतलब होता है कि वो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। सबसे पहली बात उन्होंने कही है, यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। जो यक्स है वो अवयव है वास्तविक संख्याओं का। और उन्होंने यक्स के बारे में कहा है, यक्स जो है वो क्या है, बड़ा है -4 से और छोटा है और बराबर है कितने से, 6 से। इसे किस रूप में लिखना है, अंतराल रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, अंतराल रूप में लिखना है। तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि जहां अकेले इनइक्वालिटी रहेगी, वहां हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाइट बॉल लगाएंगे। जहां इनइक्वालिटी के साथ क्या रहेगी, बराबर का साइन रहेगा, वहां क्या लगाएंगे, डार्क बॉल लगाएंगे। और वो इंक्लूडेड रहेगा, सम्मिलित रहेगा। क्या रहेगा, सम्मिलित रहेगा। तो अगर आप संख्या रेखा से समझे तो ये रही हमारी संख्या रेखा और उस पर ये 0। और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये कौन, -4। इधर की ओर बढ़ेंगे तो ये कौन, 3, 2, 5 और 1, 6। ये क्या हो जाएगा, 6। यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाइट बॉल। यहाँ क्या लगाएंगे, डार्क बॉल। इसको इससे मिला देंगे तो इसके बीच में यहाँ -4 को छोड़ करके इसके बगल से लेकर के इधर का सारा नंबर रहेगा, जिसमें 6 भी क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। इसका जो अंतराल रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -4 से क्लोज इंटरवल कहाँ तक, 6 तक, ठीक है। सवाल नंबर 2, छठवीं की दूसरी सवाल उन्होंने कहा है कि x इज द एलिमेंट ऑफ, यक्स सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ r ठीक है। फिर उन्होंने कहा है यक्ष जो है वो बड़ा है -12 से, और क्या है छोटा है कितने से -10 से। ठीक है ना, आपको बात स्पष्ट हो गई होगी कि दोनों जगह क्या है इनइक्वालिटी है और बराबर का साइन नहीं है। जब बराबर का साइन दोनों तरफ नहीं है इसका मतलब क्या आने वाला है ओपन इंटरवल, दोनों नॉट इंक्लूडेड हैं, दोनों भी सम्मिलित नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा -12 और ये कितना हो जाएगा -10। ठीक है, अगली वाली बात देखिए। अगली वाली बात में हमने सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं क्या कि यक्स इज सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, यक्स इज सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, और जो यक्स है वो 0 से बड़ा और बराबर है और छोटा है कितने से 7 से, और छोटा है कितने से 7 से। तो हम लोग अगर इसका अंतराल रूप लिखेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन जिधर है उधर क्या लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और जिधर इनइक्वालिटी नहीं है उधर क्या लगाएंगे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब है 0 इंक्लूडेड बट 7 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 सम्मिलित है लेकिन 7 सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे और हम लोग बढ़े। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 ध्यान से देख लीजिए। सवाल नंबर 4 में कह रहे हैं यक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, और यक्स की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 3 से बड़ी और बराबर के लिए, 4 से छोटी और 4 से बराबर के लिए। ठीक है, दोनों तरफ क्या देख पा रहे हैं आप इनइक्वालिटी के साइन के साथ बराबर का साइन भी है, इसलिए दोनों तरफ क्या लगेगा ये होगा क्लोज इंटरवल 3 से 4 में, क्लोज इंटरवल 3 से 4 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगली सवाल की ओर बढ़े तो सवाल नंबर क्या है हमारे पास 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 में उन्होंने कहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। जैसे यहां उन्होंने क्या लिखा था, ये जो विधि थी ये समुच्चय निर्माण विधि थी, इसे हमने कैसे लिखा अंतराल रूप में लिखा। अब उन्होंने हमें क्या दिया है कुछ अंतराल दिए हैं जिसे समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। पहला अंतराल है -3 और 0 ओपन इंटरवल, दूसरा अंतराल है क्लोज इंटरवल 6 से 12। ठीक है, अगली सवाल में उन्होंने कहा है क्या कहा है सवाल नंबर 3 में ओपन इंटरवल 6 क्लोज इंटरवल 12। अगले सवाल में उन्होंने कहा है सवाल नंबर 4 में क्लोज इंटरवल 23 और ओपन इंटरवल 5, इन्हें हमें कैसे लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में, कैसे लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो कैसे लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, ओपन इंटरवल है ना तो क्या लिखेंगे यक्स जो है वो बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है कितने से 0 से। ठीक है ना, यहां सेम टू सेम कैसे लिखेंगे यक्स इज सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, क्लोज है ना तो क्या लिखेंगे जहां 6 जो है जो यक्स है वो बड़ा है बराबर है 6 के और छोटा है बराबर है कितने के 12 से। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, और जो यक्स है वो क्या है छोटा बड़ा है 6 से छोटा है बराबर है कितने से 12 से। ठीक है, अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में क्या हो जाएगा आंसर क्या होगा मजला ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, और भैया यहाँ क्या लगा है ये है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होता है वो सम्मिलित होता है तो इक्वल का साइन तो लगना है ना। तो क्या लिखेंगे यक्स जो है वो बड़ा है बराबर है -25 से और छोटा है कितने से 5 से। ठीक है, इधर की तरफ हम लोग क्या लगाएंगे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इसीलिए क्योंकि यहाँ क्या है ओपन इंटरवल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे देखिए अगली सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल में उन्होंने कहा है सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में उन्होंने कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे या बताएंगे। पहली सवाल में उन्होंने लिखा है सवाल नंबर 8 कि पहली सवाल क्या समकोण त्रिभुज का त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, देखिए ध्यान से, उन्होंने कहा है कि इसके लिए यूनिवर्सल सेट प्रस्तावित कीजिए। इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट, या इन दोनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप क्या करेंगे, प्रस्तावित करेंगे। दोनों के लिए समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है और ये समद्विबाहु त्रिभुजों का। तो ये बात सिर्फ क्या हो रही है, समद्विबाहु की हो रही है, और यहाँ बात सिर्फ किसकी हो रही है, समकोण की हो रही है। तो जो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, वो सीधा सीधा प्रस्तावित कर देते हैं कि समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, किसका, त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, सीधी सीधी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने समतल में सभी त्रिभुज बना दिए हैं। अब आपको जो चाहिए वो क्या लीजिए, निकाल लीजिए। यहाँ समकोण चाहिए तो समकोण निकाल लीजिए, यहाँ समद्विबाहु चाहिए तो क्या निकाल लीजिए, समद्विबाहु निकाल लीजिए। मतलब दोनों के लिए कौन सी बात है, दोनों के लिए ही बात एक है, कौन, समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, अगली सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल में उन्होंने कहा है कि कुछ समुच्चय दिए गए हैं, उन समुच्चयों में हमें क्या किए जा सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए सवाल नंबर 9, ठीक है। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहे हैं एक समुच्चय है ए 1, 3, 5। एक समुच्चय कौन है, ए 1, 3 और 5। ठीक है, और अगला समुच्चय बी है कौन, 2, 4 और 6। और अगला समुच्चय कौन है, सी, उसमें कौन है, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, कह रहे हैं इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा लिया जा सकता है। मतलब इसको मिला करके इन तीनों के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यूनिवर्सल सेट प्रस्तावित करेंगे। उन्होंने वहां 4 चीजें लिखी हैं। पहले में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगले में उन्होंने लिखा है 5, और एक में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अगली सवाल में 0 को छोड़ करके 8 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है ना, तो अगर आप इन सब के लिए यूनिवर्सल लिखना चाहेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 के बाद कौन, 9, 10। ये सब मतलब हमें एक ऐसा समुच्चय इन लोगों से मिला के बताना है जिसमें से ये सब क्या किए जा सके, निकाले जा सके। जिसमें से ये सब क्या किए जा सके, निकाले जा सके। मतलब एक नहीं, तीनों निकाले जा सके। यदि सिर्फ ए को लेके बनाना होता तो हम दूसरा बना लेते जिसमें 0 नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ए बी और सी तीनों को ध्यान में रख के बनाना है, इसलिए हमने यहाँ क्या ले रखा है, 0 भी ले रखा है, क्योंकि सी को इसी में से बनाएंगे। ठीक है, बी बनाएंगे तो सम संख्याओं का बन जाएगा, फिर ए बनाएंगे तो विषम संख्याओं का बन जाएगा, और ये सी बनेगा तो सम संख्याओं का बनेगा, लेकिन उसके साथ में कौन रहेगा, 0 भी रहेगा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका क्या, यूनिवर्सल समुच्चय। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो जाती है, ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है, प्रश्नावली 1.3। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।